कल हमने वाह क्रिकेट में खुलासा किया था डीडीसीए में कागजों पर चलने वाले क्लब्स का। एबीपी न्यूज के इस खुलासे के बाद डीडीसीए की नींद खुल गई है। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने खुलासा किया कि कागजों पर चल रहे हैं डीडीसीए के कई क्लब। होंगे कोई 10-15 क्लब होंगे, मैक्सिमम 20 क्लब होंगे जिनकी जो रेगुलर नेट चलाते हैं, बाकी तो सिर्फ कागजों में हैं, अपने किराए पे क्लब चलाते हैं, कब सब्सिडी खा रहे हैं। वह क्रिकेट में हमने बताया कि कैसे कई क्लबों के पास नेट तक नहीं है। हमने आपको दिखाया करोड़ों में बिक रहे हैं कागजों के क्लब। हमने आपको बताया कि कम से कम 50 क्लब हैं जो किराए पर चल रहे हैं। एबीपी न्यूज ने उस गोरख धंधे का खुलासा किया जो बरसों से डीडीसीए के अंदर खेला जा रहा था। अब डीडीसीए के अंदर से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक डीडीसीए स्पोर्ट्स कमेटी की व्यवस्था खत्म कर सकती है। इस बात का औपचारिक फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में आ सकता है जब डीडीसीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी। डीडीसीए में स्पोर्ट्स कमेटी 111 क्लबों ने मिलकर बनाई थी। ये स्पोर्ट्स कमेटी करोड़ों का अनुदान क्लबों को देती है, पर सूत्रों के मुताबिक स्पोर्ट्स कमेटी की जगह अब फैसले का अधिकार एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास आ जाएगा। यानी स्पोर्ट्स कमेटी के जरिए सब्सिडी देने, चयनकर्ता और कोच चुनने का तरीका बंद हो जाएगा। कई क्लबों पर आरोप है कि वो पैसे लेकर खिलाड़ियों को चुनते हैं। यू इमेजिन क्रिकेट हैज गॉन टू द डॉग्स, यंग बॉयज आर बीइंग मेड टू पे मनी। यू सी द नंबर ऑफ पेरेंट्स कमिंग टू अस एंड सेइंग प्लीज हमारे बच्चे की क्रिकेट छुड़वा दीजिए, वी कांट अफोर्ड इट। Even for playing matches in the league, they have to pay 10,000 rupees for each match. सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि स्पोर्ट्स कमेटी पे तो लगाम लग जाएगी, पर ये खेल से खिलवाड़ करने वाले कागजी क्लब को कौन सुधारेगा?